Hello, hello, hello. Well, he live over, na. चालू क्या चलो हो मालिक सो so, गुड इवनिंग अरे गुड इवनिंग दे होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे मालिक तो भारत माता की तो तोड़ मालिक आपका दिन जैसे भी गया ठीक है भाई जैसे हाँ मतलब जैसे भी गया अच्छा गया तोड़ गया जिंदगी कट रही है बट लेकिन कल संडे है आधी जिंदगी की खुशी तो कल के दिन में है तो भाई और बहनों हमने कल शुरुआत की थी ओके अपन ये डिस्कस किए स्ट्रेटेजी क्या होती है तो वैसे अगर आपको याद होगा अपन ने बेसिक डिस्कशन ऐसा चालू किया था स्ट्रेटेजी इज ए लॉन्ग क्या क्या लॉन्ग लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ

प्लान वे से स्ट्रेटेजी बनाई मैंने तो उसको हम कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं प्रोएक्टिव कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं ओ भाई साहब इधर वाली आत्मा बस 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 नहीं इधर वाली आत्मा दिख रही भाई कोई टेंशन नहीं है या 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 ठीक है भाई उधर वाली आत्मा आपस में बात इधर 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 अरे इधर टीवी मजा नहीं आता टीवी में क्यों देखो रियल दिख रहा है तो जिसकी हाइट छोटी है उसको टीवी में देखने दो समझ में आया नहीं आया तो छोड़ दो ठीक है वो जो ऐसा इधर खड़ा इतना ही हाइट पर अपन यार कोई ओके ठीक है तो भाई साहब भाई साहब तो मालिक लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ ये कॉन्सेप्ट हुआ उसके बाद अपन ने डिस्कस किया स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए प्रोएक्टिव का एकदम सिंपल सा मतलब था कि प्लान करके मैंने आगे जाना चाहिए क्या खाली प्लान करके आगे जाना चाहिए नहीं इसीलिए अपन ने और एक शब्द यूज किया इफ रिमेंबर रिएक्टिव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एकदम प्लान करके क्या बंदा वो लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई मां कसम लग गई तो कौन सा सिनारियो रिएक्टिव सर ऐसा क्यों हुआ कि भाई मेरी लग गई रीजन सिंपल है क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं अरे भाई मेरी चीजें मेरी चीजें मेरे मेरे कंट्रोल में रह सकती है इंटरनल फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में रह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या मेरे कंट्रोल में रह सकते हैं तो भाई एनवायरमेंट चेंज हुआ मैं ऐसा थोड़ी ना बोल सकता हूं अरे मोदी जी वापस पॉलिसी चेंज करो ओके okay, भाई ऐसा बोल सकते क्या अपन ओके okay, बोल सकते हैं कौन बोल सकते हैं मैं नहीं भाई विनोद सर का अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है एनवायरमेंट को देखो दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल सकती है चेंज करो आई डोंट वॉन्ट टू नेम मेरे ख्याल से आपको मालूम ही होगा अंबानी और एक बात खत्म मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कोशिश कर सकता है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी उसके हाथों में हो डिफरेंट इश्यू डिस्कस लेन लेकिन करें कौन सा एनवायरमेंट मेरे हाथों में, okay, में नहीं है तो मैं प्लान करके कुछ करूं तो अगर मेरे को करनी है, तो मैं क्या दिमाग में रखता हूं इंटरनल या एक्सटर्नल okay, इंटरनल को प्लान किया एक्सटर्नल के बारे में एनालिसिस किया और मैंने समझा और उसके बेसिस स्ट्रेटेजी बनाई इसको हम कौन सी स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं प्रोएक्टिव लेकिन दिक्कत यह है एक चीज है जो स्टेबल रहती ही नहीं है कौन सा एनवायरमेंट एक्सटर्नल वैसे इंटरनल भी की चिंता करने का है? नहीं है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट का चिंता करने का विषय इसीलिए हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी है, है। अभी एक छोटा सा, <clears throat> सा पॉइंट समझिए और ये स्ट्रेटजी के बारे में एक सेकंड ना मेरे को एक बार मेरे को खुद बरोबर आने दीजिए मैं कभी इधर आ रहा कभी उधर जा रहा बराबर है नहीं मैं हा? अरे उधर अरे मेरे को उधर फीलिंग नहीं आ रही फीलिंग इधर है क्या फैन अच्छा स्क्रीन पे पंखा आ रहा है ओ अच्छा मैं वो देखा है यार मेरे को ऐसा रहना पड़ेगा यार स्क्रीन पे पंखा आया स्क्रीन के बीच में वायर आया अच्छा थैंक यू मालिक मेरे को तो मालूम ही नहीं था सब दिख रहा है सब नहीं दिख रहा है बेटा पंखा था पंखा गायब हो गया भाई Okay's. तो भाई और बहनों अगर मैंने प्लान करके किया उसको हम बोलते, है, लेकिन बोलते है, एक सा लेते हैं एक, सा बे, बेसिकली में के रखो। मैंने एक कल एग्जांपल दिया था उसको एक बेसिक अगर याद होगा मैंने सूट का खोला ओके और अगर अचानक विनोद सर खोलते है क्या मेरे को मेरी स्टडी को चेंज करना पड़ सकता है ठीक है इसको अपन ने डिस्कस किया प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या से

ओके okay, आप दूसरे दूसरे और बर्गर किंग ले लीजिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए जिसकी वजह से फूड हैबिट्स अपना कैसा हो गया आज के डेट में जिधर इतने बैठे हुए हैं इस वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं सेवेंटी परसेंट लोग बाहर का डायरेक्टली खा सकते हैं एक ऐसा टाइम था जब बाहर का खाना मतलब एक चैलेंजिंग टास्क होता था इट वॉज नॉट सो इजी एक्सेसिबल बिकॉज जोमेटो नहीं था ओके okay, स्विगी नहीं था ओके okay, तो बाहर का यूसेज इतना नहीं था अब मेरे को बताओ अगर टोमेटो कैचअप में मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी हो और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि इसका इंटेक बहुत ज्यादा है और हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गया सर हेल्थ कॉन्शियस पहले नहीं थे वापस बोल रहा हूँ हेल्थ कॉन्शियस पहले नहीं थे ऐसा नहीं था हेल्थ कॉन्शियस थे लेकिन इनटेक भी तो कम ही था लेकिन अब इनटेक ज्यादा हो गया अब मेरे को बताओ कि अगर मैं कोई टोमेटो कैचअप निकालता हूं और मैं बोलता हूं शुगर फ्री है क्या ये सेल ज्यादा होने की चांसेस है तो मेरी ये स्ट्रेटजी कौन सी हुई प्रोएक्टिव या रिएक्टिव प्रोएक्टिव क्योंकि मैंने उसको प्लान करके किया

लेकिन फ्लेवर अच्छा रहेगा हमने ये मार्केट स्टडी करके हमको मालूम पड़ा इसकी वजह से इंटेक कम हुआ और हमने ये स्टडी किया और उसके बाद हमने टोमेटो में चेंजेस किए और हमने बोला ये फ्लेवर में से ये निकाल दिया है अब ये ना आपके लंग को प्रॉब्लम करेगा ना आपके किडनी को प्रॉब्लम करेगा इसको ओल्ड एज लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं अब मेरा क्वेश्चन है ये स्ट्रेटजी कौन सी हुई पक्का समझ में आ रहा है ठीक है अब मेरे को बताओ ये खाली मैंने अकेले ने किया या किसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अपन लेते हैं किसान टोमेटो कैचअप मैं किसान वाला बंदा किसान टोमेटो केचप वाला बंदा मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई ओके किसान के अलावा और एक मैगी मैगी खाते ना मैगी बनाने वाला कौन नेस्ले अब देखो ब्रांड कैसे याद रहना है नेस्ले नेस्ले अब जो वाली कंपनी है उसने भी अपने मैगी टोमेटो केचप में चेंजेस किए क्या अब उसका भी सेल मेरे को हैम्पर करेगा अब मेरे को बताओ जो जो हेल्थ फ्रीक बैठा हुआ है वो दो जगह से दो दो दो, दो जगह से वो बिजनेस उठाएगा कहां से क्या वो किसान का भी खरीद सकता है क्या वो नेस्ले का भी खरीद सकता है अब मैं क्या और करूं जिसकी वजह से मेरा यह करे प्राइस ओके आपको लगता है डायरेक्टली प्राइस पे जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए प्राइस पे मेरे को अभी हलफे प्राइस पे डायरेक्ट पहले अच्छा क्योंकि देखो आपका कहना था प्राइस पे गेम करिए प्राइस पे गेम करना मतलब ओके okay, मैं आपको ये बता रहा हूं कल वाले एग्जांपल में आप थे क्योंकि इसलिए आपने प्राइस का गेम किया मैं आपको बता रहा हूं देखो एक्साम्पल बोल रहा हूं टोमेटो अगर मेंिक्सटी रुपीज में बेच रहा हूं ओके okay, किसान वाला सिक्सटी में बेच रहा है और मैगी वाला निकालता है वो भी सिक्सटी में निकालता है अब आप बोलोगे इसको कम करो डिस्काउंट ऑफर दो कितने पे देने का एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं पचास में ओके okay, आप दोगे चौमिया कहलाएगा इसमें ओके okay, का कुछ नहीं होने वाला लेकिन फिफ्टी दूंगा तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा अच्छा अब मेरे को बताओ फिफ्टी में अगर मैंने ये फिफ्टी में दिया ये अगर मैंने फिफ्टी में दिया लेकिन मेरे को बताओ ये फिफ्टी में मेरे को परवटना तो चाहिए मैं नुकसान करके थोड़ा ना बेचूंगा यार अब इस केस में इसका मतलब प्राइस मेरे को बताओ ये प्राइस मेरी कम कब होगी ओके देखो पचास जब ये होगा जब मेरा कॉस्ट कम होता जाएगा और कॉस्ट कम कब होता है जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा प्रोडक्शन कब होगा जब ज्यादा सेल होगा तो पहले सेल तो होने दिए जब तक सेल नहीं होगा आप कैसे बोल रहे हो प्राइस कम करो प्राइस स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क एवरीवेयर ओके okay, अगर मैं इतने वॉल्यूम में डील कर रहा हूं तो शायद मैं सस्ता करने में बेटर पोजीशन रखूंगा लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम खाली इतना है मैं सस्ता क्या करेगा यार इट इज़ बिग चैलेंज आप ऐसा इस फॉर्मेट में एक सेकंड ना ये मेरे को बेड नहीं रहा है ये भाई खड़े खड़े पंटर खड़े <laughs> बूढ़ापा आ गया रे। बुढ़ापा नहीं बेसिकली थोड़ा सा पैर का मैनेसर है तो मैनेसक स्टीयर की वजह से वो पैर फोल्ड नहीं होता तो एक दिक्कत है इसके लिए सपोर्ट लगता है बाकी तो क्या है तुम्हारे और मेरे एज में हार्डली आठ दस साल का फर्क है अरे क्या हम हो क्या कर रहे सच्ची में बोल रहा हूँ मेरा चार साल का छोकरा है अभी इमेजिन करो कैलकुलेशन करो एज का और शादी मेरी बचपन में हुई है ओके okay. ओके बढ़िया से, okay. बाल विवाह इतना भी बचपन नहीं था बचपन मतलब अपना तीस किसके तीस बीस हाँ बीस 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 बीस, बीस। बस सीए हुआ अगले दिन शादी हुई बस उसके अगले नहीं है वैसा। तो अब मेरे को बताओ मैं कैसे और कंपीट करू प्राइस छोड़ दो प्राइस छोड़ दो मैं और क्या करू वेट कम करेंगे ये क्वालिटी में फर्क मेरे को बताओ क्वालिटी में फर्क करना डोंट यू थिंक अपने लिए वांदा हो सकता है देखो मैं क्या बोल रहा हूं अपन ने टोमेटो कैचअ क्या निकाला हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस मतलब पब्लिक आज के डेट में कॉन्शियस हो चुकी है आ हाँ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तब हो सकता है जब मार्केट में सिर्फ सस्ता चाहिए मार्केट को सस्ता चाहिए या हेल्थ कॉन्शियस है क्वालिटी क्वालिटी में नहीं। में कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किया, आप बाहर हो और ये ये मार्केट पूरा लेके जाएगा, मेरी गारंटी। एक 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 एजेंडा सर ने बताया, क्वांटिटी कम करो, ओके, आज के की जो पहले दो ढाई सौ ग्राम की थी वो हमने दो सौ दस ग्राम कर दी प्राइस वो रखी पर आप है ना नहीं नहीं पार्ले जी वाला ठीक है पर मैं आपको बताऊँ आपकी स्ट्रेटी में प्रॉब्लम आ रही है आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या आप सेल बढ़ा नहीं रहे हो मेरा मेरे को सेल बढ़ाने में इंटरेस्ट है मेरा क्वेश्चन है, वाला, वाला, है, है इसको मैं मार्केट से बाहर कैसे करूं या कस्टमर सिर्फ मेरे पास ही प्रिफर रहे एक कॉन्सेप्ट हो सकता है मार्केटिंग ठीक है मार्केटिंग करते हैं मार्केटिंग काचा बदाम मेरा काचा बदाम है ना मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर को बताओ, ओके आज के डेट आज के में लेगा मोहे 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 मार्केटिंग एक तरीका ठीक है ये एक सेल का तरीका है ये सेल बढ़ाने का तरीका तो इसके मेरे को बताओ क्या मार्केटिंग में पैसा लगेगा ओके रेडी टू इन्वेस्ट रेडी टू इन्वेस्ट मार्केटिंग है मैं वापस बोल रहा हूँ मेरा एजेंडा है मेरे को सेल्स बढ़ाना है मैं पैसा खर्च करने के लिए रेडी हूं मेरे को पैसा खर्च करने के लिए रेडी हूं पर मेरे को चाहिए कि भाई किसान वाले का सेल ना हो सॉरी मैगी वाले का सेल ना हो किसान वाला बोलता है भाई मेरे को सेल बढ़ाना है तो एक हो गया मार्केटिंग करो और और तरीका ऑफर्स ऑफर्स में क्या करने का बाय वन गेट वन फ्री कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बाय वन गेट वन फ्री में आप कहीं ना कहीं वापस कॉस्ट को प्रॉब्लम करो यस मैडम सेल्स को सेल्समैन को ज्यादा से सेल्स प्रमोशन में ले लेते हैं मार्केटिंग एक हो गया मार्केटिंग मार्केटिंग के अलावा आप मेरे को दूसरा बताओ यानी या मैडम का कहना आ गया और किसी का पॉइंट है कि हम सेल्स मैनेजर को कमीशन ज्यादा देंगे उसको बोलेंगे एक बॉटल भेज साल दस रुपए एक्स्ट्रा ओके okay, ऐसा है ठीक है पर मार्केटिंग वाला पॉइंट मार्केटिंग के अलावा और कोई और स्ट्रेटेजी ओके यस कंप्यूटर फर्म को पैसे देके मैडम बोली मां कसम गया तेल लेने सामने वाले को बोलेंगे इधर आभे आकाद है क्या तेरी भाई आपको समझना है कि हर जगह डॉन नहीं हो सकता हर जगह ऑनलाइन पटर लोग सर okay, एक एक का आंसर आया कैचअप के साथ जैम फ्री कैचअप के साथ जैम फ्री यस yes, मालिक परफेक्ट और एक बहुत बड़ा पॉइंट है ब्रांचेस या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ाओ देखो पार्ले जी का सक्सेस क्यों है क्या दूसरे बिस्किट ब, मतलब भंगार है दूसरे बिस्किट भी ही नहीं। लेकिन साला, के कौन से कोने में भी, जा? अच्छा, दो के कोई भी कोने में मिलती पार्ले जी और क्या कोलगेट अच्छा कोलगेट ये मतलब मैडम तो बोले भाई ब्रश किए बिना हम कुछ नहीं करेंगे भाई हम तो ब्रश पहले करेंगे आ, कोलगेट ने खाने की चीज बोल रहा हूं मैं खाने पे मैगी मैं आपको बता रहा हूं आई डोंट नो हाउ मेनी फ्यर अवेयर आप उत्तराखंड के कोई एक्सट्रीम कोने में जाइए आप नॉर्थ के कोई एक्सट्रीम कोने में जाइए आप साउथ के कोई एक्सट्रीम कोने में जाइए बीच का अपना एरिया तो कॉमन है ही बीच अपन बीच के एरिया में अपने को नीचे वाले का भी मिलता है ऊपर वाले का भी मिलता अपने को अपने को इंग्लिश से भी प्रॉब्लम नहीं है हिंदी से भी प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में भी बात किया नहीं सच्ची में बता रहा हूं मैं जब साउथ में लेक्चर लेने जाता हूँ उधर कंप्लीटली इंग्लिश उधर मेरे को कभी कभी डाउट आता है कि मां कसम तोड़ को कैसे बोलू अरे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था हैदराबाद में तोड़ ब्रेक आ, ब्रेक तो यूजुअली 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 ऐसे मां कसम तोड़ एडेप करता था पर लेकिन साउथ में गया उधर हिंदी में बोला ना मैंने ओके एंड आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अपना इंडिया देख लो डे दे वन पे से लेकर आपने सुना होगा और लास्ट डे तक सुनोगे भारत माता की जय बात खत्म तो कोई मेरे को ऐसा ज्ञान चेपना मत सर हैश स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं दिस इज वॉट वी आर मेड अप ऑफ ओके वी आर डेफिनेटली भारत माता की जय बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेड अप ऑफ मल्टीपल थिंग्स अगर मैं साउथ में जाता हूं अरे यही तो बिजनेस का मॉडल है मेरे लिए स्टडी में मैं साउथ में जाता हूँ मेरे लिए इंग्लिश मैटर करती है मैं नॉर्थ में जाता हूं मेरे लिए इंग्लिश बोला तो थोड़ा डाउट आ जाता है आपको सच्ची में बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा पर इंदौर साइड की बैचेस या ऊपर वाली बैचेस नॉर्थ में राजस्थान में अगर मैंने इंग्लिश में वर्ड यूज किया आधे जन ये सोचते हैं क्या बड़बड़ बड़ किया भाई साहब ने इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात कर रहा हूँ आप समझे उधर का डे टू डे लैंग्वेज जो है वो हिंदी है साउथ का ही है अपना महाराष्ट्र जबरदस्त इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो घंटा समझता नहीं है आपने को क्या लेना देना, चल रहा भाई बट अभी इमेजिन कर तू नॉर्थ साइड में जाएगा तेरे को डोसा इडली मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे मैं जीरो नहीं बोला आज के डेट में बिजनेस मॉडल की वजह से सब चीज सब जगह मिल रही है लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ओके ये पॉइंट है तू नॉर्थ में जाएगा इडली नहीं मिलेगा साउथ में जाएगा छोला भटूरा नहीं मिलेगा अपने okay, एरिया में तेरे को खाना क्या बता भाई तो सिर्फ चाहता है कि साउथ में, में okay? बिजनेस करे डोंट यू थिंक इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी ये नॉर्थ में जाएगा क्या इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी क्या हमारे एरिया में स्ट्रेटजी अलग होगी तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मैटर करते हैं अपने इंडिया में पार्ले जी लो मैगी लो क्या लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मना नहीं कर टेंशन मत लेकिन को है लेकिन कोलगेट को अपन अलग रखते हैं लेकिन आप स्ट्राटिंग समझिए तो ये पॉइंट करने की छोड़ दीजिए मैंने आपको बोला कल वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए अब क्वेश्चन है कब लॉजिक बैठता है आपको लगता है भाई नहीं इधर तो सस्ता करना ही पड़ेगा जब मेरा सेल नहीं हो रहा है और इसका भी सेल नहीं हो रहा है और दोनों का सेल नहीं होने का कारण कॉस्ट है यानी अपने को मालूम पड़ रहा है कि पब्लिक जो है दे आर प्राइस सेंसिटिव ओके और प्राइस सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है मैं बोल रहा हूं कंजूस है ओके okay, नहीं नहीं उसको ये लग रहा है कि ये चीज जो है ना ये किधर है ये बॉटल जो है ना ये साठ रुपए की नहीं है भाई वर्त नहीं है मेरे को इस पर ओके okay, साठ रुपए में नहीं है साठ रुपए में लिए वर्त नहीं है ओके okay, उससे अच्छा तो मैं खाऊ ही नहीं तो अपने आप ही बच जाऊंगा तो टेक्निकली आपको समझना होगा कॉस्ट तब कम करनी चाहिए जब अपने को समझ में आ रहा है मार्केट इज प्राइज सेंसिटिव अच्छा ओके okay, इसीलिए आप देखो अलग अलग तरीके टाटा मोटर्स में जा रहा हूं मैं कार्स में जा रहा हूं कार्स इसलिए क्योंकि भाई आई एम ए कार फ्रीक तो कार के बहुत सारे नॉलेज तोड़ है अपने पास तो अगर मैं बात करूं टाटा टाटा एक ऐसी कंपनी है जो डेढ़ लाख की भी कार बनाती है और डेढ़ करोड़ की भी कार बनाती है ओके पांच करोड़ भी बनाती है वो रेंज रोवर जैगवर और वही साइड में बनाती है अलग इशू है।, okay, है? Okay, है तो क्या उन्होंने जब कार बनाई और सबसे सस्ते में दी तो क्या उन्होंने स्टेयरिंग नहीं दिया उन्होंने बोला गाड़ी लेके जाओ स्टेयरिंग अपनी खरीद लेना okay, तो अपने घर पर जो वायर लटक रहा है उसको घुमा के बांध देना मां कसम चलाना कार दिया ना कार दिया उसके अंदर स्टेरिंग दिया के नहीं दिया अच्छा क्या उन्होंने वाइपर दिया उन्होंने ऐसा नहीं बोला भाई स्टेरिंग घुमाओ वाइपर बाहर से बाहर से हो बरसात आई तो करो यानी नहीं सबसे सस्ता देने वाला भी सारी चीजें देता है आई डोंट नो तुम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं भाई तो सुनो सिटी सिटी रोक दो सिटी रोक दो सिटी जो भी बजा रहा प्लीज रोक दो प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं नहीं क्योंकि मेरी जब सटकती है ना बहुत प्रॉब्लम है ओके थोड़ा सा मेरे लिए मतलब मैं एक दो चार दिन में आपको बताऊंगा मेरे बारे पर मेरा एकदम सटकता है ना बहुत पीक पे सटकता है और वो सिर्फ एक ही चीज सटकता है सिटी और वो वो ऐसे कुछ चिल्लाता ना हाँ ये ये वो कैसा मालूम है वो इंस्टाग्राम रील के लिए अच्छा है वो जो पंद्रह सेकंड में खत्म हो जाता है ओके okay, वो कहानी अपने पंद्रह सेकंड में खत्म नहीं होती है वही 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 रील तक ठीक है रील तक सीमित रखी है बाकी सब चीज कीजिए मैंने आपको क्या बोला कल जोक मारा और अगले दो तीन सेकंड चार सेकंड के अंदर वापस कंटेंट पे आओ उसको आपने लंबा खींचा ओके okay, आपके लिए भी प्रॉब्लम है मेरे लिए भी प्रॉब्लम है इट इज बिकॉज क्योंकि वो मतलब अपन यार ह्यूमर के लिए रख रहे हैं कॉन्सेप्ट वो भी खाली कंटेंट को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मालिक तो अब सीन ऐसा है मेरे को बताओ सबसे सस्ता कब देने का जब प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। क्या एक ही मार्केट प्राइस सेंसिटिव भी हो सकता है क्या उसमें लोग ऐसे हैं पैसे देने वाले भी लोग हैं? है, है डेढ़ करोड़ की okay, और जो भाई टाटा नैनो बना रही है डेढ़ लाख की क्या वो दोनों बेच पा रही है तब तो बना रही है मालिक लेकिन उसको मालूम कौन से कस्टमर को क्या देना है मार्केटिंग मैटर्स ए लॉट मार्केटिंग का सीन बहुत भयंकर है ओके okay? अपना सिलेबस क्या क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे मैं वापस बोल रहा हूं आपका एक दो तीन दिन का एजेंडा आप समझो आपका बेस रि आप है ना अगर स्ट्रेटजी को नहीं समझोगे ना मां कसम अपने लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू होगा तो प्रॉब्लमेटिक इशू क्या होगा माने क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने को आती है अपने को आपको मैं क्वेश्चन बैंक शेयर करता हूं आप देखिए क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं मैं आज आप देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन में आपको समझेगा नहीं यार ऐसा लिखा होगा नीचे के चार दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है ओके okay, प्रॉब्लम यही है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे ऐसे में एटलीस्ट किस्मत ये है पंद्रह अगर क्वेश्चन आते हैं पंद्रह मतलब दस क्वेश्चन अप्रोक्सिमेटली ऐसे आएंगे जिसमें से टोटल एमसीक्यू रहेंगे पांच क्वेश्चन होंगे जो एक एक मार्ग के होंगे पांच क्वेश्चन ऐसे हो जो दो -दो होंगे जो दो दो मार्ग के होंगे जो दो दो मार्ग के क्वेश्चन होंगे ना एमसीक्यू के वो आपके चैलेंजिंग होंगे और आपको ऐसा पूछा जाएगा नीचे के चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेरा पहला क्वेश्चन है क्या चारों ऑप्शन है ये Okay, और चारों में से बेस्ट ढूंढना है तो प्रॉब्लम ये ये है okay, ये चारों में से बेस्ट वो होना चाहिए जो एग्जामिनर को बेस्ट लग रहा है इसीलिए okay, तो में, में। अगर मैं कुछ भी आपको समझाऊके okay, पंचायती फलाना ढिमका आपने किधर सर्च मारा होगा आपने फलाना ढिमका गूगल पे सर्च मारा होगा घंटा तेल लेने गया मॉड्यूल जो बोल रहा फाइनल है मॉडल ने बोला इस जगह ये यूज करनी है बात खत्म वो 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 चाहिए वही तो कॉस्ट लीडर अभी एक मार्केटिंग छोटा सा उसको ह्यूमर के एंगल से भी देखो और साथ में कॉन्सेप्ट के एंगल से भी देखो आपने मेरे ख्याल सबने एड्स देखते ही हम लोग देखो टीवी देखने वाला ओके okay, एडता ही है एक्चुअली देखते हैं बीच में चैनल सीरियल आती है बीच में मैच आती है तो आप कभी कभी मैच देखते भी होंगे अभी वर्ल्ड कप किया देखा होगा बीच में ऐड आ रही थी ओके okay. नहीं देख रहे छोड़ दिया। छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए भाई साहब अच्छा वर्ल्ड कप गया इसलिए ठीक है ना यार अभी क्या अभी मतलब क्या करेंगे अभी क्या मतलब अभी यार वो रहने दो छोड़ दो नहीं पर आगे सीखो ना सालो अपना ऐसा ही नहीं हो जाए भाई अपना डे ऑफ एग्जामिनेशन में मार्क समापन लगा दे ले बस ये ध्यान रखो दिमाग में ये रखो अब सवाल ये है आप एड देखना ऐड चलो एक 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 कॉन्सेप्ट बताता हूं आप अब हेल्थ हेल्थ ड्रिंक की एड देखो हेल्थ ड्रिंक की ओके बोर्मिटा लो बूस्ट लो कॉम्प्लेन लो आपने बोर्मिटा की एड देखी होगी शायद जिसमें एक माँ दौड़ रही है माँ ऐसे दौड़ रही है बोल रही है मेरा बेटा उस दिन जीतेगा जिस दिन वो मुझे हराएगा ओके अब मैं देखा है क्या आप कॉम्प्लेन में देखना कॉम्प्लेन की एड में देखना माँ बोल रही है मेरे बच्चे की हाइट लंबी होनी चाहिए आप okay, कोई भी ड्रिंक दिखिए मां दिखती है बाप कभी नहीं दिखता क्या बाप ऐसा चाहता है मेरा बेटा टिंगना ही रहे नहीं मेरे बेटे की हाइट बड़े ही नहीं सारा हर एड में मम्मी मेरा बेटा ये करेगा मेरा बेटा वो करेगा अरे बाप मेरा बेटा ऐसा थोड़ना ना यार क्या मेरे को एक चीज बताओ क्या आपको लॉजिक नहीं लगा आप देखो हर जगह देखो मां माँ अरे क्या मजा कर रहे क्या बेटे, बाप का इमोशन नहीं आ रहे फाड़ के देखो सीना यार बाप भी रोता है अरे सच्ची में बोल रहा हूं यार बाप भी रोता है पर पर पर, पर प्रोडक्ट के मार्केटिंग वाले को पता है अगर इसके पापा को मैंने बोला कि ये हेल्थ ड्रिंक पिलाओ इससे बेटी की हाइट बढ़ेगी वो बोलेगा चल ये तेरे पास ही रख बिना इसके मेरी हाइट बढ़ गई है ओके okay, इमोशन इमोशन नहीं चाहिए इमोशन चलते किसके पास है मां के पास उनको मालूम है सेल हमारा कौन करने वाला है बाप नहीं करेगा बाप दुकान में आएगा चल बोरमीटा लेता हूं नहीं ओके माँ दुकान में आई अरे भाई यार बोरमीटा पीने से भाई यार ब्रेन का विकास होगा बाप बोलेगा जाने दे भाई हमको विकास से जरूरत ही नहीं है हमारा जितना बेटे का ब्रेन है उतना चल जाएगा ओके ये कौन? देखा है क्या कभी अच्छा ओके मेरे को बताओ साबुन ओके संतूर ये देखो कौन था आदमी संतूर वाला ये आदमी संतूर देखता है या उसके अंदर संतूर भाई साहब देखो संतूर की आईडी आपके दिमाग में आई, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एड है रे बहुत सारे साबुन है आप क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है आपने इसका 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 नाम सुना है एचयूएल एचयूएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है जो साबुन बनाती है लेकिन एक बार भी अपन कंपनी का नाम नहीं लेते इसके साबुन के ब्रांड क्योंकि ये कंपनी प्रमोट करती है उसके ब्रांड को ये कंपनी ऐसे कभी एड नहीं ले लगी का साबुन है ये इनके ब्रांड को लगाएगी ओके तो आप देखना ओके मैं बता क्या दव? दव सुना है सुना ही होना चाहिए क्या लाइफ बॉय सुना है ओके क्या भाई साहब पियर सुना है क्या लक्स सुना है ये चारों इसी कंपनी के साबुन है चारों इसी कंपनी के साबुन है लेकिन प्रमोट करते वक्त तू नोट कर डव में तू देख ओके okay, की एड देखना कभी में एक सात दिन मैंने ये गाल दिन ये गाल गाल पे पे लगाया सात दिन दूसरा साबुन लगाया सात दिन के बाद खर 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 और सात दिन के बाद जिधर डाव लगाया वाह मतलब मां कसम सात दिन जो लगाया वो लक्षा लग तो उसी कंपनी का साबुन लगाया और खर 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 हो रहा है तुम्हें मतलब एक कंपनी जो दोनों चीज वही खुद बना रही है लेकिन वो प्रोडक्ट बेचते वक्त वो क्लियर है कि उसका कस्टमर कौन है ये सब होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी okay, तो आप आप नोट करो पियर्स पियर्स लगाने से आपके स्किन आपकी त्वचा आपकी खिलखिल उठेगी वाह ठंडी में यूज करना पियर्स यूज करिए ओके okay, लक्स सौंदर्य साबुन नहीं निर्मा है वो तो वो निर्मा है <laughs> नहीं लक्स का भी ऐसा ही कुछ है ना कुछ तो है लक्ष का कुछ तो है, तो है ऐसा ही है वो लक्ष जो समझ गया तुम समझ गए कभी कभी साला मेरे को समझ में नहीं आता मैंने कौन सा साबुन यूज करना चाहिए कंफ्यूज है मेरे मेरे को मेरे को एक ही कंपनी सारे चारों साबुन बेच रही है मैं चाहता हूं मेरे मेरे बाथरूम में ना चारों स्टैंड रहेंगे यानी डव लिया साबुन चेहरे पे लगाया पियर्स लिया पियर्स पी, नहीं फिर लाइफ बॉय लाइफ बॉय, लाएग बॉय बॉय कीटाणु मारने के लिए बॉडी पे बॉय लगाया लक्स जिधर जिधर बचा उधर लगा दिया पियर से बाथरूम को देखा यानी एक कंपनी एक कंपनी चार अलग अलग तरह के साबुन बेच रही है यार एक कंपनी अपने को चोमू बना रही है अरे चोमू नहीं दो क्या हुआ मेरे को बता क्यूट क्यूट Cute, अगर किसी को पता नहीं है तो इट्स सी डैश डैट डैश अरे कीट सी यू टी बाकी तो अपने को शब्द नहीं मालूम भाई तो भाई डव वही साबुन डव डव सुन 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 मेरी बात डव एक साबुन जो पचास रुपए में बेचता है लक्स वो तीस रुपए में बेच रहा होगा पियर्स चालीस रुपए में बेच रहा होगा और लाइफ बॉय शायद पच्चीस रुपए में बेच रहा होगा एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं एक्जाम्पल यानी वो चाहता है कि उसके कस्टमर किधर किधर है कोई कस्टमर होगा जो शायद एग्जाम्पल बोल रहा हूं फार्मर होगा या वो जिसका काम होगा हार्डवर्क करना जिसके काम में धूल मिट्टी रोज की रोज ज्यादा मिलती होगी जिसको पसीना ज्यादा आता होगा उसका टारगेट क्लियर है बॉय एक क्लास ऑफ पीपल है उसको मालूम है कि भाई ओके एक एक क्लास ऑफ पीपल है एकदम सुपीरियर क्लास ये लोग चेहरे के लिए जो चाहिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डब बात खत्म ओके एक क्लास है जो पूरे बॉडी के लिए इंश्योर करते हैं पर हाई क्लास वाला पियर्स और एक क्लास जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आ सकता है लेकिन उसको हम फील रिचर क्लास का देना चाहते हैं लक्स। सोचिए तो अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो आप स्ट्रैटेजी बेस निकलते हैं और आपको मैं बता दू, वाला ना वाला है. okay, सबसे पहला इंडिया में जो साबुन ग्लिसरिंग वाला था वो पियर्स था लेकिन आज हर कंपनी ग्लिसरिंग वाला निकालती है तो हर कंपनी ने दूसरी कंपनी ने ग्लिसरीन वाला साबुन क्यों निकाला क्योंकि पियर्स का कोई था नहीं तो उनको समझ में आया पियर्स का सेल हो रहा होगा तो मेरे को बताओ दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या थी कौन सी थी पियर्स पियर्स के सामने नया साबुन निकालने की रिएक्टिव और इन्होंने जब पियर्स निकाला होगा वो कौन सी थी अब जब इनको मालूम ज्यादा साला मेरा पियर्स का कोई और कॉपी कर रहा है इन्होंने पियर्स के फ्लेवर निकाल दिए ब्लू पियर्स ग्रीन पियर्स ये कौन सी स्टडी हुई रिएक्टिव समझ में कुछ आ रहा है अब सपोज 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 इन्होंने ग्रीन पियर्स निकाला और ब्लू पियर्स निकाला और इनको मानो पड़ा ग्रीन पियर्स फेल हो रहा है ग्रीन पियर्स येल्लो पियर्स तो जान दे पूरी जिंदगी सारे कलर ले ले भाई रेनबो के कलर ले ले भाई एक पियर्स ऐसा निकलता जिसके अंदर सात कलर रेनबो पियर्स मतलब सारा बॉडी पे लगा कौन सा कलर आएगा लेकिन आई डू थिंक समझ में आ रहा है कुछ ठीक है आप एक बार घर पे बात करना ओकेज okay, यूजुअली अगर आप बाहर से आए हो ओकेज okay, यहाँ पर हो तो आपकी कनेक्टिविटी घर वालों के साथ होगी ओकेज okay, फ़ोन पे होगी एक बार खाली कैजुअली ऐसे बात करना कि भाई आज से बीस साल पहले 25 साल पहले आप अपने बाथरूम में कितने साबुन होते थे मैं आपको बता रहा हूँ आपको आपको लिटरली बताऊँ नहीं आपको शायद ये मजाक लगेगा लेकिन पहले सिर्फ एक साबुन होता था जिससे पूरा घर नहा लेता था शैम्पू गिना चुना होता था उसमें भी पहले मतलब घर पे है, वो शैंपू लगाते भी नहीं थे सर को वो साबुन ही लगाते थे बोलते शैंपू लगाओ या साबुन लगाओ एक ही चीज है ओके okay, तो आपको बताओ बाथरूम साफ करने के लिए बाथरूम या पूरा पूरा बाथरूम जिसके अंदर टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ करने के लिए एक कुछ एसिड की बॉटल होती थी हार्पिक अभी आया बेटा हार्पिक मैं आपको बता आज मेरे को बता हर जन का बाथरूम ले लो इमेजिनेशन करो हर जन के घर का बाथरूम इमेजिनेशन करो कम से कम तीन से चार साबुन होंगे सबके अलग अलग शैंपू की अलग अलग बॉटल होगी ओके बाथरूम धोने के लिए अलग वो आ, अपना डब्बा धोने के लिए अलग बेसिन धोने के लिए अलग और बाहर का, का ये धोने के लिए अलग मतलब मा कसम सलाह एक टाइम पे हाउ दिस इज कमिंग इन टू पिक्चर दिस इज बेसिकली स्ट्रेटेजी दीज आर बेसिकली स्ट्रेटेजी विच इज मेकिंग सर्वाइव मैं आज खाली एक डिस्कशन कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी अपने एक प्रोडक्ट की लेकर है आप जिस बिजनेस की बात करोगे उस बिजनेस में मैं आपको डिस्कस कर सकता हूं ये इतना बड़ा डिस्कशन है कि आप इमेजिनेशन के बारे है यही प्रॉब्लम होगी अपने साथ क्योंकि अपने को डिस्कशन वही रखना है जो मॉड्यूल का है आप जितनी पंचायती डिस्कशन करना चाहते हो करिए बहुत सारे आप अबे गूगल पे सत्रह साठ सर्च मार ले सत्रह 1760 साठ डिस्कशन में आएंगे लेकिन डिस्कशन से वो तीन घंटे सॉल्व नहीं होंगे भाई तो डिस्कशन उतना करो समझो कॉन्सेप्ट को याद रखो मैं जो बता रहा हूं लॉजिक बैठाओ इसको याद रखो अल्टीमेटली एंश्योर करो कि आपका पेपर सॉल्व हो सके और पेपर वैसा ही सॉल्व हो सके उसके हिसाब से किसके हिसाब से एग्जामिनर एग्जामिनर आईसीआई आईसीआई जो भी देगी एग्जामिनर होना चाहिए आपका खुश तेरे को खुश आईसीआई को नहीं करना है एग्जामिनर को करना है बात खत्म ओके अगर तू मेरे से खुश है तो तू मेरे में इन्वेस्ट कर रहा है उसी तरह तू एग्जामिनर को खुश करेगा वो तेरे में इन्वेस्ट करेगा दो तरह से एग्जामिनर खुश होता है या तो पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ दे <laughs> खुश है ना उसका काम खत्म ना फटाफट हो गया और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो खुश होगा exactly तूने इधर लिखा उसको मगजमारी ढूंढने के लिए कम लगा वो ऐसा बुक चेक कर रहा है मॉड्यूल ओके पहला लाइन पहला पॉइंट उसको जो मिल रहा है वो लिखा हुआ वही मिल रहा है दूसरा पॉइंट वही मिल रहा है तीसरा पॉइंट वही मिल रहा है चौथा पॉइंट वही मिल रहा है पांचवा पॉइंट मिल रहा है अगर पांच पॉइंट सीक्वेंस के उसको मिल गए जो मॉड्यूल में लिखे मार्क्स कसम बोल रहा हूं किसी की ताकत नहीं औकात नहीं कि मार्क्स काट सके

इसलिए खाली ब्लाइंडली अब्बा डब्बा चब्बा रट के काम नहीं होगा मालिक आपको इधर ये समझना पड़ेगा इसका एप्लीकेशन कैसे होते हैं मालिक ओके ये पॉइंट ध्यान रखना भारत माता की जय जय जेपर है मालिक आपको समझा मालिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या ठीक है तो मेरे को वापस एक बार एक वापस एक कॉन्सेप्ट आते हैं स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए ओके प्रोएक्टिव या रिएक्टिव ओके इसका डायरेक्टली रिएक्टिव के साथ जाओ साबुन बनाना चालू करेंगे देखेंगे मार्केट में जो बिक रहा है वो बिकेंगे ऐसा है क्या जिंदगी में कुछ बिकेगा नहीं तो सबसे तो पहले मार्केट को स्टडी करिए मार्केट का एनालिसिस करिए कस्टमर को क्या चाहिए वो देखिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखिए वो रिक्वायरमेंट एनालाइज करिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए वो देते वक्त अगर मार्केट में चेंजेस हुए कस्टमर के टेस्ट और प्रिफरेंस में चेंजेस हुए एग्जाम्पल ग्रीन कलर सब उनको नहीं मजा आ रहा है आपने देने के बाद भी उनको नहीं जम रहा है तो इसका मतलब वो सब सक्सेसफुल नहीं है आप उसको मार्केट में रखोगे उसका प्रोडक्शन करोगे आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती बेस्ट ऑप्शन है उसको बंद करो टाटा नैनो की बंद हुआ टाटा नैनो क्यों बंद हुआ मेरे को बताओ उनको यह समझ में आया कि उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है टाटा नैनो बंद होने का सेल नहीं हुआ ऐसा नहीं है टाटा नैनो का कॉस्ट क्या हो गया स्टार्टिंग कमिटमेंट कितने का था? का था लाख कितने तक बैटरी थी मालूम है टाटा नैनो लाख ओके टाटा नैनो लास्ट सेल जो हो रहा था वो कितने का हो रहा था साढ़े चार लाख अब मेरे को बताओ जो साढ़े चार लाख इन्वेस्ट कर रहा है वो छह लाख इन्वेस्ट करके मारुति सुजुकी वाली कोई अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले जो साढ़े चार लाख रहा तो आम आदमी के लिए बनी नहीं है ना

धंधा बंद हो गया अरे ऐसा नहीं होता धंधा बंद होना exactly anything, like anything. और इसी के चर्चा करनी होगी लेकिन उसके पहले स्ट्रैटेजी okay, आपको समझ में आ गई है का समझ में आया, का। अब मेरा क्वेश्चन आता है आपने बचपन से जब मैं बोल रहा हूं आपका बचपन मतलब okay, वाला नहीं। okay, हाँ फाउंडेशन हो सकता है इलेवन है आपने कभी मैनेजमेंट के बारे में सुना है ऑडिट में मैनेजमेंट वाला लॉजिक मत लगाइए इधर, लेकिन मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का डायग्राम कैसे बनता है बेटा कभी भी ऐसे डायग्राम बना हुआ रहेगा मैनेजमेंट का एवरीबडी बर ना ऐसे डायग्राम बनाया कि नहीं पक्का तो इसमें क्या और तीन लाइन बनती थी नाम बोल लोअर टॉप मिडल लोअर सुना है कभी ऐसा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट होता है एक लोअर लेवल होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं करते ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाता नहीं है हम जब स्ट्रैटेजीज बनाने की बात करेंगे तो ये मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम टॉप मिडल लोअर कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे वर्ड्स आएंगे लेकिन टॉप मिडल लोअर विल बी एन आउटकम ऑफ समथिंग तो अगर मैं आपको बोलू स्ट्रैटेजी बनाएगा ओके okay, स्केचअप को नया नया अरे सब नया नया ये आया है ओके सबको शुगर फ्री कैचअ चाहिए इसके लिए मुझे स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी बताओके आप ऐसा नहीं बोलोगे इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करेगा इसमें लोअर मैनेजमेंट काम करेगा नहीं 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 मिडिल टॉप लोअर गायब ये आपका डिस्कशन ही नहीं है पूरे सिलेबस में तो सर फिर कौन स्ट्रेटजी बनाएगा कान खुले और एक पंद्रह मिनट तक बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि पंद्रह मिनट वाला ही बेस आपका आगे के चार मतलब चार चैप्टर के लिए रोल प्ले करेगा मालिक टोटल नंबर ऑफ चैप्टर पांच है सर नाम बताइए चैप्टर्स के कल बताएंगे ओके okay नहीं परसों बताएंगे ओके okay कल बताएंगे मतलब इसका मतलब कल आना है ऐसा नहीं है आप समझ लेने का ना संडे भाई डीम डे वो जिस दिन प्रशांत ने बोला आने का उस दिन आने का तो फिर उस दिन मैं भी आऊंगा चुपचाप मैं क्या कर सकता हूँ यार गरीब आदमी अरे सच्ची में बोल रहा हूँ मेरे से इतना सीधा आदमी कोई जिंदगी में इनको कभी मिलेगा नहीं नसीब इनके जाग गए चुपचाप सुनने वाला आदमी एक टाइम पे शेर था सर अभी क्या हुआ अभी वो दो जन के बीच में चू सुमड़ी हो गए नहीं उम्र के साथ शादी ने शादी कौन ते तो शादी हो गई बोला आ? शादी हुई तो क्या तू क्या बोलना चाहते मेरी बीवी खराब है मेरी बीवी खरा कर खर रहा क्या मेरी बीवी मेरी बहन बजा रही है आ? कहने का मतलब क्या है मेरी बीवी मेरी बैंड बजा रही है हक से बजा रही है <laughs> शादी के टाइम पे सब अच्छा था शादी के पहले भी सब अच्छा था शादी के बाद भी अच्छा था नहीं उसके लिए सब अच्छा था उसकी स्ट्रैटेजी थी, थी रिएक्टिव एक्टिव कुछ नहीं है मेरे इसमें मैं जैसे ही कोई स्ट्रेटजी बनाने की जाता हो तो भाई जब शादी हो रही थी विदाई हो रही थी 24 मई की घटना है शादी हो रही थी विदाई हो रही थी विदाई में सब रोते मालूम है ना सब रो रहे थे सब रो रहे थे भयंकर दो okay, 2010 की घटना ये 24 में 2010 शादी हुई नहीं प्यार उसके पहले हुआ प्यार मतलब क्या लव मैरिज नहीं भाई प्यार होना पड़ा अरेंज मैरिज था बापू ने बोला शादी करने का इसके साथ मैं बोला ठीक है घर वाले मारवाड़ी में ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग है पर देख कौन रहा है क्वेश्चन ये है तो भाई ऐसा ही था तो शादी वो विदाई हो रही थी सब रो रहे थे सब रो रहे थे सब रो रहे थे ओके okay, मैं अरे नहीं मेरे को फीलिंग आ रही थी कि मैं भाई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं मतलब इसके मनाली मेरी वाइफ का नाम मनाली है मना मनाली के दादाजी तो ऐसे झोपा झोप धुप रो रहे थे मतलब मैं बोला भाई गिर पड़ेंगे और जो रो रहे। मतलब एक सेकंड के लिए मेरे को लगा रखो तुम्हारी बेटी भाई मतलब भारी पड़ जाएगा मेरे को ऐसा तुम रो रहे और लिटरली बोल रहा हो मतलब ऐसे चेयर पे बैठे थे वो ओल्ड एज ओल्ड एज का पॉइंट आप इमेजिनेशन करो मतलब चेयर पे बैठे थे हुआ मिला उनको, ऐसे गले मिलते ना मैं आप चिंता मत करो आपकी बेटी को सुखी रखूंगा आपको मालूम है उनका, 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 उनका दो सेकंड में मतलब आप चीजें पूरे उधर उधर जितने जन रो रहे थे वो बोले मैं उसके लिए रो नहीं रहा हूं उन्होंने मारवाड़ी में बोला बोले मैं तेरे ले रो रहा हूं अब तेरा क्या होगा तो ऐसा तो जैसे हुआ वैसे वैसे उनकी पॉइंट है कोई नहीं कोई नहीं ठीक है होता है हाँ मोहे मोहे हाँ अब सर स्क्रीन पे ध्यान दीजिए एक मैं आपको बता रहा हूं एक है टाटा ग्रुप एक है टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप के अंदर सुनिए सुनिए मालिक सुनिए टाटा ग्रुप के अंदर अपन चार ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशन है टाटा स्टील मेरे ख्याल ने सब सबने ये सुना होगा और एक है टाटा मोटर्स नहीं सुना होगा तो मैं सुना रहा हूं और एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस एवरीबॉडी क्लियर अच्छा साड़ा कंसल्टेंट सर्विसेज मतलब क्या था बेटा हाँ टीसीएस परफेक्ट बढ़िया और एक लेते हैं टाटा इंश्योरेंस इंश्योरेंस टाटा सोडा तू पीता क्या रे कुछ और ता... तात्या छोड़ा सा ठीक है जो भी है पर अपन टाटा इंश्योरेंस ओके श्क, अब मेरे को बताइए ओके आप स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे हो सबसे पहले टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप कुछ डिसीजन लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे टाटा ग्रुप बोल रहा हूँ टाटा ग्रुप में एक्जेक्टली रतन टाटा जी है जो बैठे हुए हैं क्या वो डिसीजन लेते हैं मेरा क्वेश्चन है वो डिसीजन किसके लिए लेते हैं कंपनी मतलब कौन सी कंपनी कंपनी के लिए लेते हैं या ग्रुप के लिए लेते हैं अच्छा मेरे को बताओ अब नया इनको टाटा एफएमसीजी uh, चालू करना है एफएमसीजी का फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनको टाटा एफएमसीजी चालू करना है ओके okay, अब कौन डिसाइड करेगा टाटा एफएमसीजी चालू करना है मेरे को बताओ ओके okay, इधर से टाटा ग्रुप डिसाइड करेंगे या टाटा स्टील डिसाइड करेगा पक्का ठीक है इंश्योरेंस का धंधा चल नहीं रहा है इंश्योरेंस को बंद करना है कौन डिसाइड करेगा पक्का यानी मेरे ख्याल से लॉजिक ठीक है अब क्वेश्चन आता है टाटा स्टील के अंदर जाते हैं टाटा स्टील के अंदर रहा टाटा स्टील के अंदर एक तीन डिपार्टमेंट लेते हैं एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो स्टील प्रोड्यूस करता है एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक होगा एक्साम्पल अकाउंट डिपार्टमेंट ये तीन डिपार्टमेंट अपन लेते हैं सबको समझ में आ रहा है तीन डिपार्टमेंट वैसे बहुत डिपार्टमेंट हो गया हम तीन एक बेसिक ले रहे हैं डे वन पे एवरीबडी क्लियर ठीक है अब मेरे को बताओ ओके प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्शन हो गया ओके ये कौन सा हुआ मार्केटिंग अकाउंट्स ओके हम जैसा प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करता है और बेचता है और अकाउंट्स वाला उसको नोट करता है ओके परचेज सेल्स जैसे अपन अकाउंट्स के नोट कर रहे हैं ऐसा डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट है मुझे मुझे मतलब कौन टाटा स्टील वाले को टाटा स्टील वाले को आर एंड डी चालू करना है कुछ नया स्टील लगाना है नया स्टील नया स्टील, नया स्टील निकालना है अब नया स्टील निकालने के लिए आज के डेट में क्या इनके पास आर एनडी डिपार्टमेंट है है क्या नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा वैसे ही काम कर रहे हैं लेकिन ये चाहते हैं कि हम खुद डिसाइड करेंगे हम आर एनडी करेंगे हम पे खर्चा करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि नया तरह का स्टील कौन सा है या स्टील कुछ अलग फ्लेवर में कुछ फ्लेवर मतलब खाने का फ्लेवर नहीं वो कुछ तो धूप ऊप में चले धूप में ठंडा फीलिंग देवे वट एवर या रेलवे के लिए अलग स्टील होना चाहिए बस के लिए अलग स्टील होना चाहिए ऐसा स्टील निकालने का हमने किया। मेरे को बताओ, नया, करना है, नया लाना है अभी आर लाना है टाटा स्टील वाले को लग रहा है अभी टाटा स्टील पक्का झेपरा ना टाटा ग्रुप नहीं डिसाइड करेगा कौन डिसाइड करेगा टाटा स्टील एवरीबडी ऑनलाइन वाले क्लियर है ना ऑनलाइन है है बढ़िया मदद कर रहा हूं मैं अब ऑनलाइन का मैसेज देखना सर हैंग हो गया हैंग हो गया हैंग हो गया अभी आएगा आएगा सर हैंग हो गया हैंग हो गया लैग 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 अटक गए सर <laughs> मजा कर रहा है मजा कर रहा ठीक है कुछ हुआ नहीं भाई ओके okay, बढ़िया अब टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसको बेच रहा है टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्या किसका कर रहा है स्टील का अपने को ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है अगर मैं यह किसी को आउटसोर्स करूं मैन्युफैक्चरिंग वो सस्ता होगा ओके okay, इसीलिए मैं प्रोडक्शन बंद करता हूं और मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट किसी को आउटसोर्स करता हूं कौन डिसाइड करेगा टाटा ग्रुप वाला या टाटा स्टील वाला ग्रुप वाला डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन बंद करना है सोच के देखो सोच के देखो मैं ये बंद करने की बोल रहा हूं ना मैं प्रोडक्शन बंद कर रहा हूं और प्रोडक्शन बंद करके मैं क्या कर रहा हूं प्रोडक्शन इन हाउस करूंगा या आउटसोर्स करूंगा सबको आउटसोर्स पता है ना मालिक यानी एग्जांपल कोई और कंपनी होगी जो बनाती होगी हम उसे खरीद लेंगे और हम बेचेंगे टाटा का लेबल लगाएंगे और बेचेंगे आत्मा क्लियर तो मेरे को बताओ कौन डिसाइड करेगा टाटा ग्रुप या टाटा स्टील समझ में कुछ आ रहा है देखो आप डिसाइड कर रहे हो यानी अब नया अगर कंपनी चालू करना है कौन डिसाइड करेगा टाटा ग्रुप पुरानी कंपनी बंद करनी है कौन डिसाइड करेगा अच्छा टाटा मोटर्स है ना जैगवर के साथ मर्च करना है कौन डिसाइड करेगा ग्रुप डिसाइड करेगा आत्मा क्लियर लेकिन प्रोडक्शन चालू करना है या बंद करना है टाटा स्टील या मोटर्स समझ में आया ओके okay, नया आर डिपार्टमेंट डालना है टाटा स्टील या मोटर आत्मा क्लियर ठीक है, है. में, 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 में यूनिट बना रहे मुझे कल से बीस हजार यूनिट बनाने ये कौन डिसाइड करेगा टाटा स्टील वाला या प्रोडक्शन वाला स्टील वाला या प्रोडक्शन वाला सोच समझ के बताइए टाइम लीजिए स्टील वाला या प्रोडक्शन वाला स्टील वाला ये प्रोडक्शन वाला ओके okay, मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट है ओके okay, जहां पर यहां पर स्टील वाला डिसाइड नहीं करेगा ये, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्शन वाला ओके okay, अब यहां पर प्रोडक्शन है क्या यहां पर ऐसा हो सकता है सेल्स की टीम हो ओके okay, कौन बताएगा अगले साल कितना टारगेट होना चाहिए सेल्स का सेल्स वाला टाटा स्टील क्या डिसाइड करता है और सेल्स क्या डिसाइड करता है ये आपको समझना जरूरी है गड़बड़ नहीं करना ओके okay, अब इसका मतलब आपको मैंने बताई तीन तरह की स्ट्रेटेजी तीन लेवल समझाया मैंने आपको पर तीन लेवल टॉप मिडल लोअर मत बोलिए अगर आप बोलोगे ये टॉप है ओके ओके तो तो ये भी तो टॉप ही है okay, यानी आप इमेजिन करो इधर एक आदमी बैठा हुआ है इधर एक आदमी बैठा हुआ है अब मेरे को बताओ ये दोनों आदमी में फर्क कौन है ओके okay, जो ऊपर मिस्टर ए बैठा है ये किसका हेड है टाटा ग्रुप का हेड है और जो मिस्टर बी बैठा है वो किसका हेड है ओके okay, और इधर प्रोडक्शन के पास एक आदमी बैठा हुआ है मिस्टर सी वो किसका हेड है एवरीबॉडी क्लियर ओके तीनों तो हेड ही है ना तीनों हेड है okay, तीनोंडे मेरे को बताओ स्टील को वो आग के बबूले में डालने का काम क्या इधर का हेड करता क्या एम्प्लॉय करते ना वो एम्प्लॉय कौन है लोअर लोअर का डिस्कशन ही नहीं अपना अपन इधर जो स्ट्रेटेजी बनाने की सोच रहे हैं या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो बंदे सोच रहे हैं हम तीन स्ट्रैटेजी तीन लेवल सोच रहे हैं पर तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट टॉप मिडल लोअर इधर नाम होता है कान खुले और याद रखने का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कौन सी नाम कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल बाप लेवल स्ट्रेटेजी वो डिसाइड करने वाला एक मैनेजमेंट दूसरा होगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी और तीसरा होगा फंक्शनल लेवल स्ट्राटेजी कौन सी स्ट्राटेजी तो मेरे को बताओ हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक लेवल्स आर देर इन मैनेजमेंट यानी कितने लेवल है तीन पर टॉप मिडल लोअर नहीं है तो इधर नाम क्या है कॉर्पोरेट वर्ड बोलो खाली वर्ड कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन क्या दिखता है कॉर्पोरेट कौन है इसमें टाटा ग्रुप ओके okay, बिजनेस कौन है टाटा स्टील के अलावा और नाम बताइए टाटा स्टील टाटा मोटर्स टाटा कंसल्टेंसी टाटा इंश्योरेंस आत्मा क्लियर ओके फंक्शनल लेवल बस बताइए फंक्शनल लेवल प्रोडक्शन मार्केटिंग अकाउंट्स ओके सेल्स क्या आर भी हो सकता है क्या एच आर भी हो सकता है हु इज एच आर ह्यूमन रिसोर्स तो अगर ह्यूमन रिसोर्स का जो हेड है वो कौन वो कौन फंक्शनल लोअर मत बोलिए समझ में वो भी बंदा टॉप का ही है यानी मेरे को बताओ अगर कोई बंदा बोलेगा मैं प्रोडक्शन का हेड हूं तो उसका नाम क्या हुआ फंक्शनल लेवल बट इज नॉट लोअर लेवल माई बाब याद रखना तो हम लोग इधर लोअर लेवल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं लोअर लेवल आर नॉट डिस्कस इन मैनेजमेंट लोअर लेवल एम्प्लॉय को हम मैनेज करेंगे लोअर लेवल को हम क्या करेंगे मैनेज तो अब क्वेश्चन आता है ओके okay, जो इतने पंद्रह बीस मिनट मैंने समझाया मेरे को बताओ कितने जन स्ट्रेटी बनाते हैं तीन ओके okay, तीन नाम बताइए फंक्शन ठीक है सोच समझ के बताइए कौन डिसाइड करेगा मर्जर होना चाहिए एक्वेशन होना चाहिए पक्का कौन डिसाइड करेगा एक्सपांड करना है बिजनेस को कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं बिजनेस नहीं कॉर्पोरेट एवरीबॉडी क्लियर कौन डिसाइड करेगा हम इन हाउस करें आउटसोर्स करें कौन डिसाइड करेगा हम आरएनडी करें कि नहीं करें बिजनेस 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 ओके अब प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन करने का फंक्शन आरएनडी में कितना आरएनडी करने का समझ में कुछ आ रहा है डोंट वरी ओके धीरे धीरे और बहुत क्लैरिटी आ जाएगी लेकिन लॉजिक बैठाना जरूरी है स्टार्ट का तो मेरे ख्याल से स्टार्ट का लॉजिक बैठा गया मालिक तो मेरा क्वेश्चन है कितने जन स्ट्रेटी बनाते हैं तीन कौन से कौन से कॉर्पोरेट कान खुले ओके okay, आज के डेट में ब्रीफ और याद रखना जरूरी है आप सभी को ओके okay, और अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ओके okay, अगर आप लिख रहे हो तो मैंने कल बता दिया आप लिख रहे हो आप लिखो पर मेरे को अभी लिखाने की जरूरत अभी मेरे को समझाने में इंटरेस्ट है तो मेरे को तीन नाम बताइए सीएल बी एल एफ एल फुल फॉर्म बताइए कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल परफेक्ट एवरीबडी क्लियर ठीक है कॉर्पोरेट लेवल क्या क्या डिसाइड कर सकता है सुनिए 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 एवरीबडी ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए टाटा स्टील ना मैं बढ़ाना चाहता हूं ना कुछ कम करना चाहता हूं टाटा स्टील जैसा है वैसा ही रहना चाहिए जैसा है वैसा ही रहना चाहिए ना मेरे को इसको मर्जर करना है ना इक्वेशन करना है ना इसको बंद करना है इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी अप्रोच जैसा चल रहा है वैसा हमको नया मार्केट में जाना नहीं है पुराने मार्केट को छोड़ना एग्जिस्टिंग मार्केट एवरीबडी एग्जिस्टिंग मार्केट वापस वर्ड चाहिए एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हम वही मार्केट में गेम करेंगे और वही प्रोडक्ट के साथ गेम करेंगे तो इसको हम कौन सा अप्रोच बोलते हैं स्टेबिलिटी इज दैट पॉइंट क्लियर यानी ये बंदा ना नया मार्केट चुन रहा है ना नया प्रोडक्ट चुन रहा है या नया मार्केट ये जो मार्केट है उसको छोड़ भी इसको हम क्या नाम देंगे स्टेबिलिटी इज दैट पॉइंट क्लियर ठीक है ओके okay. एग्जिस्टिंग मार्केट और वापस बोल रहा हूं आज बेस रेडी कर रहे हो आप एंसर नहीं एंसर और इंप्रोवाइज होगा टाइम लगेगा दो वीक के बाद इसको बहुत बेहतरीन होगा लेकिन दो वीक देना पड़ेगा दूसरे दिन खत्म हो जाता है पर कॉन्सेप्ट बिठाते जाओ मुझे नए मार्केट में जाना है प्रोडक्ट वही है प्रोडक्ट वही लेकिन मार्केट नया मुझे, मुझे 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 मार्केट वही रखना है लेकिन प्रोडक्ट नया निकालना है ओके okay, इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन क्या बोलते हैं मालिक एक्सपांशन के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक दो तरीके मैंने आपको बताया है। क्या बोला मैंने अच्छा वापस आता वापस आता हूं वही बिजनेस वही मार्केट वही प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ना मैं उसको बढ़ा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं जितना धंधा हो रहा है उतने में अपन खुश है इसको क्या बोलते हैं ठीक है नए मार्केट में जाएंगे वही प्रोडक्ट को लेकर एक्सपांशन वही मार्केट में नया प्रोडक्ट बेचेंगे एक्सपांशन अब मेरे को बताओ टोमेटो कैचअप वाला वही मार्केट में ओके शुगर फ्री सॉस ला रहा है समझ में आया ओके ये होता है एक्सपांशन एक्सपेंशन के मल्टीपल रीजन है ओके और बहुत सारे बेसिक रीजन आप समझ रहे हो आप यानी वही मार्केट वही मार्केट, पहला क्वेश्चन वही मार्केट वही प्रोडक्ट फेबलेटी वही मार्केट नया प्रोडक्ट नया मार्केट वही प्रोडक्ट एक्सपांशन भाई मार्केट का तरीका और मार्केट के बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे मतलब आप जो आज इमेजिनेशन कर रहे हो उसके अलावा बहुत सारे तरीके बैठेंगे एग्जांपल मैं सिर्फ ऑफलाइन अवेलेबल था मैं सिर्फ क्या अवेलेबल था अब मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूं मेरे को बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सपांशन प्रोडक्ट पुराना या नया प्रोडक्ट 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 लेकिन मार्केट नया क्योंकि ऑनलाइन वाला मार्केट अलग है समझने का शोर आत्मा क्लियर मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता था मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता था मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता था अब मैं ऑनलाइन के बाद मैं ऑफलाइन आया एक्सपेंशन एग्जाम्पल कैसा होगा इसका प्रोडक्ट वही मार्केट नया भारत मतलब जेब आ गया ठीक है मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा था ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था मेरी मेन बैच होने के बाद मैंने सोचा ऐसे कोई स्टूडेंट है जो दूसरी जगह बैच करके आया है और उनको समझा नहीं वो कॉन्सेप्ट और वापस मेन बैच में साठ घंटे टाइम क्यों डालेंगे उसकी जगह मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकाला जो तीस घंटे का है अब मेरा क्वेश्चन है क्या बताइए कॉन्सेप्ट क्या होगा प्रोडक्ट वही है क्या नहीं प्रोडक्ट वही नहीं है प्रोडक्ट नया मार्केट वही मार्केट वही आत्मा क्लियर पर ये क्या बोलेंगे अपन एक्सपांशन ओके okay, अमित बोल रहा है भाई यार जितने बच्चे आ रहे हैं फेस टू फेस पढ़ाएंगे ऑनलाइन कुछ नहीं कुछ लेना था नहीं मैं इधर ही पढ़ाऊंगा जितना मार्केट है यही पढ़ाऊंगा मैं नया प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा फुल बैच ही पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी समझ में आया एवरीबडी लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भाई यार अभी जितने कस्टमर आए भाई एक एग्जाम्पल सात सौ आठ सौ सात सौ बैठे हुए मुझे इसको नौ सौ करना है तो इसके लिए मैं ऑफर निकाल रहा हूं ये क्या होगा मार्केट वही प्रोडक्ट वही लेकिन ऑफर निकाल के सेल बढ़ा रहा हूं एक्सपांशन यानी अगर मार्केट वही है प्रोडक्ट वही है लेकिन धंधा बढ़ा रहा हूं ये स्टेबिलिटी नहीं हुई ये क्या होता है एक्सपांशन तो मेरे को बताओ मैंने क्या क्या नाम बताया मार्केट वही सुन सुन मेरी बात मार्केट वही प्रोडक्ट वही लेकिन धंधा बढ़ाना बहुत बढ़ाना नहीं है मुझे स्टेबिलिटी इज दट पॉइंट क्लियर मां कसम क्लियर पक्के से ओके okay, वही मार्केट वही प्रोडक्ट लेकिन सेल्स प्रमोशन निकाल के धंधा बढ़ा रहा हूं एक्सपांशन नया प्रोडक्ट पुराना मार्केट ओके okay, नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट नया मार्केट नया प्रोडक्ट एक्सपांशन बात खत्म तो एक्सपांशन के कितने ऑप्शन दिखे आपको पक्का एक्सपांशन के कितने ऑप्शन नाम बताओ पहले आप एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग बोलो एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकिन प्रमोशन पक्का क्लियर एवरीबडी ठीक है आवाज नहीं आई रे पक्का क्लियर है कह रहे एवरीबडी क्लियर ठीक है तो आप मेरे को बताओ पहला पॉइंट एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी या एक्सपेंशन ऐसा नहीं बोलोगे आप सवाल पूछोगे मुझसे समझ में कुछ आया अगर मैंने बोला वही मार्केट है वही प्रोडक्ट है आप पूछोगे क्या धंधा बढ़ा रहे हो क्या आप मैं बोल रहा बोलो नहीं जितना है उतना ही परफेक्ट मैं बोल रहा बोलो बहुत बढ़ा रहा हूं, सेल्स प्रमोशन डाल रहा हूं ऑफर दे रहा हूं पक्का क्लियर नया प्रोडक्ट नया मार्केट नया प्रोडक्ट पुराना मार्केट पुराना प्रोडक्ट नया मार्केट चार कौन से बैठने चाहिए इंश्योरेंस काम नहीं कर रहा है यार सेल नहीं हो रहा है जितना चाहिए उतना खर्चा हो रहा है अपने गले पड़ गया है बंद करते हैं

मतलब अगर आप देखो चमत्कार हो गया वापस जिंदा हो गया ओके जादो, ओके इसका ऐसी पॉसिबिलिटी है यस मेरे को समझ में आ रहा है मेरा धंधा कम हो रहा है मेरे को समझ में आ रहा रहा है है मेरा सेल्स कम हो क्या मैं वापस अपने प्रोडक्ट को चेंज करके बहुत सेल बढ़ा सकता हूं ये 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 भी रिट्रेंचमेंट होता है डायवेस्टमेंट मतलब इंश्योरेंस को बंद कर दो और इसका पैसा जो आएगा वो आप या तो टाटा कंसल्टेंसी में दे दो ओके ये कॉन्सेप्ट इसको हम क्या नाम देते हैं डाइवेस्टमेंट क्या नाम देते हैं? तो मेरे को बताओ ओके okay, तीन strategy अभी मैंने सिखाई अभी हाल फिलहाल तीन कौन सी कौन सी कॉर्पोरेट नहीं लेवल नहीं पूछ रहा हूं लेवल नहीं पूछ रहा हूं strategy अभी सिखाई है मैंने मैं लेवल्स लेवल्स नहीं नहीं पूछ रहा levels नहीं पूछ रहा रहा हूं हूं स्ट्रैटेजी तीन कौन सी कौन सी स्टेबिलिटी एक्सपांशन रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट रिट्रेंचमेंट और मेरा मेरा पॉइंट है ये तीनों कौन डिसाइड करेगा तीनों कौन डिसाइड करेगा मालिक डिसाइड करेगा बिजनेस लेवल बिजनेस लेवल डिसाइड करेगा यानी यानी टाटा स्टील बोलेगा मैं बंद कर रहा हूं भाई मैं बंद कर रहा हूं नहीं कौन डिसाइड करेगा कॉर्पोरेट अब इसको अभी शायद किसी के दिमाग में आएगा सर टाटा स्टील भी तो सोच सकता है नए मार्केट में जाऊंगा ओके ऐसा किसी के दिमाग में आएगा तो विल डिस्कस इट आउट मैंने क्या बोला इसको इंप्रोवाइज करेंगे ना अपन लेकिन आज आपके दिमाग में क्या आएगा ये कौन डिसाइड करेगा कॉर्पोरेट तो मेरे को बताओ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज कितनी तीन कौन सी कौन सी स्टेबिलिटी रिट्रेंचमेंट और डाइवर्स okay, ओके आत्मा क्लियर लेकिन चार होती है चार कैसे नहीं रिटेंजमेंट डाइवर्सिवेशन डाइवर्समेंट को ऐसा नहीं है अलग नहीं है और नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ओके okay, टाटा ग्रुप डिसाइड करता है सोन 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 मेरी बात टाटा ग्रुप डिसाइड करता है टाटा स्टील को बढ़ाएंगे और टाटा इंश्योरेंस को बंद करेंगे यह कौन सी स्टडी हुई डायवेस्टमेंट किसके लिए हुआ डायवर्समेंट किसके लिए हुआ डायवर्समेंट किसके लिए हुआ टाटा इंश्योरेंस लेकिन एक्सपेंशन हुआ इसको बोलते कॉम्बिनेशन क्या बोलते मालिक यानी अगर एक ग्रुप दो या उससे ज्यादा स्ट्रेटी लेता है एक साथ में हम उसको नाम क्या बोलते हैं आंसर बताइए कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज कितनी नाम रिट्रेंचमेंट और डायवेस्टमेंट दोनों बोलने का एंड लास्ट पॉइंट कॉम्बिनेशन आत्मा क्लियर ओके स्टेबिलिटी वाला बंदा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट एक्सपेंशन वाला बंदा चार नाम चाहिए मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट लेकिन धंधा बढ़ा रहा दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट भारत माता की झेपा क्या मालिक एवरीबडी ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे को आप बिठाइए किसमें बिठा रहे हो आप ओके okay, एक नया एडवर्टाइज मैंने दिया टूथ okay, ब्रश टूथ टूथब्रश तूद नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है फंबल ये फंबल नहीं होता है ये मुझे हुआ ना इसको फंबल नहीं बोलते मुझे हुआ तो बंबल हुआ पांचर जोकता छोड़ सुन मेरी बात ओके okay, स्लिप ऑफ द टंग नहीं होता मैडम स्लिप ऑफ माइंड होता है जब माइंड से स्लिप होता है तो टंग स्लिप होता है okay. कटाली क्यों मारा है? एक कोलगेट कंपनी मैडम मैडम गौर फरमाइए कोलगेट 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 कंपनी सुनिए कोलगेट कंपनी प्रमोशन ऐसा कर रही है टूथब्रश दिन में दो बार करना चाहिए रात को सोते वक्त और सुबह उठने के पहले नहीं है उठने के पहले ब्रश उठने के पहले क्या वन उठने के पहले है? तो ब्रश एक तो सोने के बाद मां कसम सोने के बाद सोने के बाद उठने के पहले बढ़िया है मैडम हाँ सोने के बाद उठने के पहले अगर ऐसा एडवर्टाइज चालू कर दिया तो धंधा ही बंद है ओके तो सोने के पहले ब्रश करो एक बार और उठने के बाद दिन में दो बार ब्रश करिए ऐसा मार्केटिंग कैंपेन चलाया कौन सी स्ट्रैटेजी पक्का एक्सपेंशन क्यू एग्जिस्टिंग एक मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल्स बढ़ा रहा है क्योंकि अभी सेल्स एक क्योंकि जो बंदा ब्रश जो एक बार करता था वो दिन में दो बार करेगा उसका सेल कंजम्पशन आत्मा क्लियर ठीक है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है कौन सा नहीं है नहीं है ना तो घर में ना नमक का डब्बा निकाल नमक डाल उस पर ब्रश कर नहीं है बोल रहा है नमक से दांत अच्छे होते हैं कोयले से दात अच्छे होते हैं हां समझ मार रहा क्या अपन साला कोयले से दांत घसते थे नमक से दांत घसते थे नीम से दांत घसते थे और साला टूथपे कोलगेट वालों ने साला मतलब क्या पहले कोलगेट टूथपेस है बाद में उनको समझ में आया आज के डेट में सब लोग अवेयर हो गए तो कोलगेट नीम कोलगेट नमक कोलगेट कोयला साला मां कसम अपना तो घिस रहा है आपको पता है क्या पुराने लोग क्या घिसते थे दांतून दांत घिसते थे मा. दात घिसते थे पुराने लोग अपन कंट्रोल कर रहा हूं कुछ बोलू नहीं मैं अपन अपन लोग क्या घिस रहे वहां कसम भाई ऑनलाइन वाले जिधर जो बैठे ना भाई सोच समझ के कुछ है? भाई आवाज कम कर दो तो घर वाले कुछ सुन लेंगे ना कसम मेरे गले पड़ जाएगा इधर दात घिस रहे थे पुराने वाले अबे सालो पुराने वाले जो घिसते थे ना तंबाकू से घिसते थे मालूम है क्या गांव में वो तंबाकू जलाते थे मालूम वैसे लोग तंबाकू से खिसते थे अब वो चीज वो तंबाकू वो जला के राख करते थे कोयले जैसा बनाते थे और उसके बाद दांत घिसते थे कोई गांव में देते थे नीम की वो पत्ते नीम की कांडी होती थी उससे खिसते थे दातून अब कहीं ना कहीं मार्केटिंग ने ओके अपने को शिफ्ट कर दिया ओके वेस्टर्न लाइन पे वेस्टर्न लाइन वाले पे क्या बात हुई शिफ्ट होने के बाद कि भाई ब्रश करो टूथपेस्ट लगाओ मैं आपको लिटरली बोलता हूँ टूथपेस्ट अगर आपके घर पे कोई डेंटिस्ट है पूछना टूथपेस्ट आप इतना सा भी ले लो ओके या इतना ले लो घंटा कुछ फर्क पड़ता है टूथपेस्ट इज नेवर एवर फॉर कैविटी आपके घर पे अगर सच्ची में आपका भाई कजिन कोई डेंटिस्ट है उससे पूछो ओके आपको ये बताया जा रहा है बिकॉज दिस इज वॉट ए मार्केटिंग स्टडी तो टूथपेस्ट का काम क्या है टूथपेस्ट का ओनली काम है कि उसका जो फ्रेशनेस है ना वो अच्छा रखता है कैविटी रोकने का एक ही तरीका है ब्रश करो और दांत में कुछ अटका हुआ रहेगा वो निकलना चाहिए बात खत्म इसके अलावा और कोई घंटा कैविटी रोक नहीं सकता ओके सर सेंसिटिविटी अलग है कैविटी बोल रहा हूं मैं तो टूथपेस्ट का ऑब्जेक्टिव पर टूथपेस्ट का प्रमोशन देखो आप अब टूथपेस्ट का एडो नमक वमक का तो छोड़ दे टूथपेस्ट की जब एडो मानो ना कितना पूरा पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाते हैं तेरे माइंड में वो इंप्रेशन डालते कि टूथपेस्ट ऐसा है ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स बनाना ठीक है अब मेरे को बता कोलगेट निकलता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है ये कौन सी स्ट्रेटी एक्सपेंशन कैसा वाला एक्सपेंशन प्रोडक्ट नया मार्केट वही समझ में कुछ आया ठीक है कोलगेट वाला बोलता है मैं कोलगेट ही बेच रहा हूं लेकिन अभी ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट नया प्रोडक्ट वही अगर अभी किसी को डाउट ऐसा होगा सर इसमें मार्केट नया कैसा हुआ आप चिंता मत करिए मैंने आपको क्या बोला आप थोड़ा, थोड़ा सा बैठता थो, तो ठीक है जहां पर टूथपेस्ट कभी करते ही नहीं है कोई कोई एरिया है जो एक एरिया ऐसा है वो जो पहाड़ी लोग है वो लोग खाली दातुन करते वहां पर ये लोग जाके ऑफर देने लगे ये ऑफर देने लगे ओके okay, भाई आप टूथपेस्ट यूज करिए और टूथपेस्ट पे कोई डिस्काउंट होगा या टूथपेस्ट की वजह से आपको और कुछ दूसरी चीजें दी जाएगी ये कॉन्सेप्ट कौन सा है एक्सपेंशन किसमें किस बैठता पॉइंट क्लियर ओके तरीके समझे क्या मालिक okay, so. एवरीबडी ओके दो मिनट दो मिनट है मालिक सवा सात तक है ना नहीं सब बुक बंद करना चालू कर दिया तो मेरे को ऐसा डर लगने लग गया बंद कर रहा हूं। तेरी, मैं तेरी निकलूंगा पहले तू बोल खाली मां कसम वन हो गया इसका एक्सपेंशन हो गया क्या हो गया बाजू वाले को पूछा हो गया क्या इसका एक्सपेंशन बहुत एक्सपेंशन एक्सपेंशन कर रहा है इसको ही डाइवर्स कर देते कसम हाँ। रू अफजा रू अफजा ने जो मार्केटिंग की सुन 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 रू अफजा ने मार्केटिंग की रू अफजा ने जो मार्केटिंग की है उस मार्केटिंग में ऐसा बोला है कि रू अफजा अभी आप दूध के साथ भी ले सकते हो पहले अपन ऐसा एजेंडा है मार्केटिंग का रू अफजा पानी के साथ ही लिया जाता है अब वो बोलते हैं रू अफजा किसके साथ ले सकते हो दूध के साथ भी ले सकते हो तो मेरा क्वेश्चन है स्टेबिलिटी एक्सपेंशन डाइवर्समेंट तो नहीं है ना ठीक है, ओके okay, सर रू अफजा दूध के साथ भी ले सकते हो एक्सपांशन में कौन सा एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एग्जिस्ट एक, देखो अच्छा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है ये समझ में आ गया अब खाली दो पे चर्चा करनी है मार्केट नया है या पुराना है तो आपके लिए एक एग्जाम्पल एक होमवर्क रहेगा जो अपन मंडे डिस्कस करेंगे मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं सुन लीजिए दो सुन लीजिए दो एग्जाम्पल पहले वो एड ऐसे करते थे रू अफजा आप दूध के साथ ले सकते हो ओके मिल्क के साथ ले सकते हो पहला एड ऐसा किया उन्होंने और अब वो बोल रहे आप पानी के साथ भी ले सकते हो लीजिए जल लीजिए थक गए होंगे बहुत पड़ पड़ के मालूम है क्या मीम नहीं मालूम है जाने दे भार, बढ़िया बढ़िया ओके okay, लेकिन ये लॉजिक समझा पहला दूसरा एग्जांपल क्या है मेरा इसमें दूसरा एग्जांपल क्या है मेरा इसमें रू आजा का पहला ऐड क्या था वाटर के साथ लीजिए पहला उसने ऐड ऐसे किया वाटर के साथ लीजिए और आप क्या बोल रहे हो लोग मिल के साथ भी ले सकते हो आप इसमें दिमाग लगाओगे मंडे को मुझे रीजन बताओगे मेरे को एक्सक्लूसिव जन चाहिए जो अच्छे से रीजन बता सकते हैं भले वो गलत रीजन है लेकिन अच्छे से फालतू में पांच जन पानी के साथ लेना है दूध के साथ लेने, इसके जो लेने ले ले सर मेरे को ऐसा रीजन नहीं चाहिए मेरे को बकायदा अच्छे से चाहिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं और मैंने पहले एक आंसर को क्लोज करिए कितने लेवल है, है मैनेजमेंट के घंटा सूर्य वंशम की खीर खा लो मैनेजमेंट के लेवल इधर डिस्कस किए मैनेजमेंट के लेवल हमेशा होंगे तीन टॉप मिडल लोअर। वो अपने सिलेबस में नहीं है तो फिर क्वेश्चन क्या है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्वेश्चन है तो हाउ मेनी स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन आर आधे थ्री कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन और कॉर्पोरेट लेवल कितने डिसीजन ले सकता है चार नाम स्टेबिलिटी एक्सपांशन रिट्रेंचमेंट और डायवेस्टमेंट एंड कॉम्बिनेशन आत्मा क्लियर सी ऑन मंडे आई वॉन्ट पक्का क्लियर आंसर देने वाली है ठीक है आप डिसाइड करो मुझे चार जन चाहिए कोई भी आंसर के लिए एक एरिया के नहीं हर एरिया के एक एक एक, एक निकालेंगे अपन मैन ड्यूड जय